ये 50 रुपए का नोट है, आप ध्यान से देख लीजिए। 50 रुपए नोट को अगर मैं कहूं कि इसको 24 घंटे में 100 रुपए करने हैं, 50 रुपए का नोट है और इसको 100 रुपए में बदलने हैं, आपके पास टाइम है 24 घंटा, आप क्या करेंगे? जरा दिमाग लगाइए। हाँ हाँ, आपको कह रहा हूं, इसको 100 रुपए में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको डबल करना है 24 घंटे के अंदर, क्या आप कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी 50 रुपए को अगर, मतलब ये जगह 50 रुपए की जगह पे 500 रुपया यदि होता और तब मैं बोलता कि क्या आप उसको 24 घंटे में डबल कर सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ, आप भी कहेंगे हाँ कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। और यदि तरीका नहीं मालूम है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्या क्या करना होता है, मैं आज इसी के बारे में आज आपको बता रहा हूं। और देखिए, ये वीडियो फेक वेक मत समझिएगा, मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूं। यदि आप एक छोटा सा बिजनेस कर लेते हैं, छोटा सा, इससे आपका पैसा डबल हो सकता है। लेकिन अब पैसा कितना डबल हो सकता है 24 घंटे के अंदर, मैं ये भी आपको बताऊंगा, और प्लस आपको क्या करना होगा, ये सारा कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, ये 50 रुपए को अगर डबल करना है, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। कोई भी एक चीज खरीद लीजिए, एक चीज कुछ भी खरीद लीजिए 50 रुपए का, क्या खरीद सकते हैं जरा कल्पना कीजिए। 50 रुपए में ऐसा क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए। अरे भैया, 50 रुपए में ऐसा क्या मिलेगा कि आपका पैसा डबल हो जाएगा? नहीं मालूम है। देखिए, अगर आप चाहें खड़े खड़े कि 50 का जो है डबल 100 करना है, मैं कह रहा हूं आप मंडी में चले जाओ, मंडी में जहां सब्जी मंडी लगती है, और 50 रुपए को छोड़ो, अगर आपके पास 1000 रुपया भी है, ये तो 50 की मैं बात कर रहा हूं, 1000 रुपया भी है, आप चाहो तो एक घंटे के अंदर, 24 घंटा तो बहुत ज्यादा देर होता है, एक घंटे के अंदर उस पैसे को आप डबल कर सकते हो। क्या करना होता है, आप सब्जी मंडी में गए, वहां पे ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखो, कुछ ऐसी सब्जी देखो जो मार्केट में, पूरे मार्केट में एक ही बंदा लेके आया हो। सोचिए, समझिए, सोचिए, सोचिए आराम से, बहुत टाइम है। एक ऐसा प्रोडक्ट देखिए उस मंडी में जा करके कि इस पूरे मंडी में एक ही बंदा उस सब्जी को लाया हो। मिल गया? जरूर मिलेगा। आप जब जाएंगे मंडी में, जरूर में जरूर कोई ऐसा जरूर आपको मिल जाएगा कि एक ही बंदा उसको लाया हो। आप क्या कीजिए, जितना रुपया में वो दे रहा है कोशिश कीजिए कम कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि उसको खरीद लीजिए। सीधा सा बात है, आप उसको पूरा जितना भी रखा है सब कुछ आप खरीद लीजिए, और खरीद करके आप वहीं पे बैठ जाइए, सारा मटेरियल उसका खरीद करके वहीं पे आप बैठ जाइए, और अपने मन के हिसाब से जितना रुपए आप चाहें, क्योंकि पूरे मंडी में सिर्फ आप ही के पास है वो, और उसको जितने रुपए आप चाहें बेच सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कितना में बेचते हैं। आप डबल भी कर सकते हैं, नहीं डबल होगा तो 1.5 गुना कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं होगा, हो सकता है। क्या ऐसा लोग करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मेरा एक साथी था चंडीगढ़ में, जब मैं रहता था, आज चंडीगढ़ जानते होंगे, पंजाब में है, पंजाब के पास में है चंडीगढ़, तो वहां पे एक मेरा साथी था, वो क्या करता था कि सब्जी मंडी में जाता था और 1-2 हजार रुपया उसका जो भी, देखो लेबर चौक पे काम करता था, पहली बात कि वो लेबर चौक पे काम करता था, लेबर चौक पे काम करके जो भी रुपए कमाया है उसको ला करके शाम को मंडी में जा करके ये दिमाग लगाता था जो मैंने आपको बताया कि पूरा मटेरियल खरीद लेता था, और जो खेती वाले लोग होते हैं, कम खेती वाले लोग होते हैं, वो ले आ करके मंडी में बेचते हैं, तो मेहनत तो करते हैं लेकिन दिमाग वाला आदमी वहीं पे कमाता है, उसको 20 रुपए खरीद करके 30-35 रुपए बेचता था, मैंने खुद देखा है। इस तरीके से वो 1000-2000 का जितना है सब खरीद लेगा, खरीद करके उसी जगह पे बैठ करके रात को 7-8-9 बजे तक आराम से बेचेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये ना दिमाग वाली बातें, अब ये कोई जुआ नहीं है, ये प्रैक्टिकल, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, चलो आपके पास यदि 2000 रुपया है, 2000 रुपया, एक और एग्जांपल देते हैं, आपको लग रहा है ये तो सब्जी मंडी में आप बता रहे हो, सब्जी मंडी में कौन जाएगा, या फिर सब्जी मंडी में मैं नहीं जा सकता, बहुत प्रॉब्लम है, आप क्या समझते हो? मैं मानता हूं 1000 बहाने आपके पास, देखो हो सकता है, लेकिन ये सब बहाने हैं जिसकी वजह से आप नहीं करोगे। और एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल, 2000 रुपया आपके पास, और आप उसको मैं बोलूं कि आप 24 घंटे में इसको डबल कर दो, कैसे होगा? आप कहोगे कहीं जुआ पे लगाऊंगा, कहीं लॉटरी टिकट खरीदूंगा, कहीं मार्केट में किसी शेयर मार्केट कोई कुछ भी खरीदूंगा, कुछ भी ऐसा दिमाग आप लगाएंगे, या ड्रीम 11 का वो खेलूंगा,
है ना, होता है आजकल बहुत ज्यादा क्रेज में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लाखों में किसी एक दो का हो ही जाता होगा, अब मुझे तो नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। लेकिन प्रैक्टिकल यदि उसको करना है, 2000 रुपए को यदि 4000 में 3000 में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा 24 घंटे के अंदर? आपको मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आसान रास्ता। जो टी शर्ट हम लोग पहनते हैं, जरा कल्पना कीजिएगा, और अगर मेरी बात झूठ लगता है, झूठ लगता है तो कमेंट कीजिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर सही लगता है तो भी लिखिएगा। जो हम लोग टी शर्ट पहने हुए हैं, एक टी शर्ट मान लो ऐसे 50 रुपए का मिल रहा है, मान लेते हैं 80 रुपए 100 रुपए का मिलता होगा, 50 रुपए में मान लेता हूं, 50 रुपए आपको होलसेल रेट में मिल रहा है, आप उसको चाहो तो 90 में बेच सकते हो, आप उसको चाहो तो 100 में बेच सकते हो, और 2000 रुपया है और उसको आप 3000-4000 में बदलना चाहते हो 24 घंटे के अंदर, आप 20 टी शर्ट 25 टी शर्ट जितना टी शर्ट आ सकता है उतने रुपए में उतना टी शर्ट आप खरीदो, और एक दिन के अंदर उसको किसी तरीके से कहीं पे भी दिमाग लगा उसको बेच दो। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोचिए, एक दिन में आपने खरीदा, शाम तक, रात तक, 10 बजे तक, कल तक, कल भी आपके पास टाइम है, चाहो तो कल भी, अरे पूरा दिन आप ही गए, 24 घंटे मैंने लिख दिया तो क्या 24 घंटे में ही कर सकते हो? कल नहीं कर सकते, एग्जाम कर सकते हो, लेकिन एक से दो दिन, तीसरा दिन आ जाए, क्योंकि तीसरा दिन गया तो फिर ये बात नहीं रह जाती जो डबल वाली बात है ना, वो एक दिन से दो दिन में ही मजा आता है, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं, आप 10 दिन में बेचो बिक ही जाएगा, लेकिन मेहनत करोगे तो 24 घंटे के अंदर आप 2000 का 3000 रुपए में बदल सकते हो, 4000 में बदल सकते हो। देखो जो भी मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या फेक लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूं, क्या ऐसा लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी भी चीज का खरीद करके स्टॉल लगाते हैं, शाम तक वो बेच देते हैं। अरे भैया मैं आपको बता दूं, तीसरी भी बात बता रहा हूं, तीसरा भी बात आप सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने क्या क्या रखा था, दो बल्ब, बल्ब जो हम लोग बिजली का बल्ब जो है, दो बल्ब रखा था, एक लाइटर रखा था, लाइटर सिगरेट वाली लाइटर नहीं, एक ना लाइटर होती है जो गरीब घर में यूज होता है उजाले के लिए, इतना बड़ा होता है, चार्जिंग किया जाता है, उसको लाइटर कहा जाता है, इमरजेंसी लाइट भी कहा जाता है, छोटी सी थी। जिस व्यक्ति के मैं बारे में बात कर रहा हूं, बाइक पे गत्ता बांध रखा था और उस गत्ते में ये लाइटर, दो बल्ब और एक चार्जर, उस बल्ब का वो लाइटर का चार्जर, चार्जर डाटा केबल जैसा होता है ना चार्जर, वो ये चार आइटम 100 रुपए में दे रहा था, चार आइटम 100 रुपए में दे रहा था, और उस बंदे के पास आप यकीन नहीं मानोगे 50 लोग खड़े थे खरीदने के लिए, 100-100 रुपए हाथों में लेकर, एक बाइक पे आदमी है, उसके पास एक गत्ता है, पूरे मिलाकर 100 पीस मतलब नहीं होंगे उसके पास, लेकिन लोग ना 100-100 का नोट लेकर के, 200-200 का नोट लेकर के उसके पास लाइन लगी थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। क्या कर रखा था उसने, कितना मतलब दिमाग लगाया होगा, क्या इतना बड़ा कठिन काम है कि वो आप नहीं कर सकते हैं? अरे एक छोटा सा दिमाग उसने लगाया है, कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाया है, एक छोटा सा दिमाग लगाया है, क्या किया है, उसको बल्ब को होलसेल रेट में खरीद रखा है, प्लस जो चार्जर मैं बोल रहा हूँ उसको होलसेल रेट में खरीद रखा है, जो डाटा केबल है उसको होलसेल, चार ही आइटम थे, दो बल्ब थे, एक लाइटर था और एक चार्जर था, और 100 रुपए में देता था, और लोग ना मुंह के बल उसके पास गिरे हुए थे खरीदने के लिए। मैंने जब उस दृश्य को देखा, मैं भी उस लाइन में लगा था, मैं भी उस लाइन में लगा था, मैं आपको बताऊं क्या मतलब नजारा था, वो पैसे की बारिश हो रही थी उसके पास। किसी भी गांव में ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं आप लेकर के निकल जाए, अरे 20-20 रुपए में बल्ब पड़ा होगा, 20-20 रुपए में, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। जो चार्जर की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी लाइटर की मैं जो बात कर रहा हूं, 30 रुपए में पड़ा होगा, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से वो 40 रुपए 100 रुपए में 40 रुपए कमा रहा था, 100 रुपए में 40 रुपए वो कमा रहा था। और आपको और हमको लग रहा है कि यार हम पैसे को कैसे डबल करें, क्या करें? देखो 2000 का 4000 बदलना बहुत आसान है, 2 लाख का 4 लाख बनाना कठिन है। तो कोशिश ये कीजिए कि छोटे से कुछ भी ऐसा कीजिए जो आज 24 घंटे में उसको खरीद करके आप बेच सकें, ठीक है।
और छोटा छोटा कदम उठाएगा, छोटा छोटा, बड़ा नहीं। 1 लाख का, 2 लाख का खरीद करके चाहेंगे एक दिन में 4 लाख बन जाए, बड़ा कठिन है, नहीं होता है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन 1,000 का 2,000 आप कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको इतना देर समझाया, समझ में तो जरूर आया होगा। 3 एग्जाम्पल दिया हूं, तीनों में से क्या लगता है कौन सा आप करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। जय हिंद।